SBI योनो ऐप से RD अकाउंट को क्लोज करने के लिए या फिर मैच्योरिटी से पहले अपना RD अकाउंट क्लोज करके उस RD फंड को अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना होता है, इस वीडियो में मैं आपको RD अकाउंट क्लोज करने का पूरा डिटेल में प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको SBI योनो ऐप को MPIN की मदद से लॉगिन करना है। जब आप SBI योनो ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने SBI का जो होम पेज है वो शो करेगा। तो यहाँ पे जो आपके सभी डिपॉजिट रहते हैं, आप RD अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, बट अगर आपको FD अकाउंट भी क्लोज करना है तो उसका भी यही प्रोसेस रहता है। RD अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे माई डिपॉजिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में RD अकाउंट ओपन करने के बारे में बताया था। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। RD अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। जो भी आपका जो RD का आइकन बना हुआ है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो ये थोड़ा प्रोसेस लेगा, उसके बाद इसका जो भी डिटेल है, RD की समरी है, वो ओपन हो जाएगी। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे डाउन में एक ऑप्शन मिलेगा, क्लोज रेकरिंग डिपॉजिट। तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। ये आपका परमानेंटली अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा और आपका जितना भी फंड होगा वो इंस्टेंट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज योर रेकरिंग डिपॉजिट, और आपके RD के अकाउंट नंबर शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लोज रेकरिंग डिपॉजिट। और यहाँ पे आपका रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD का अकाउंट नंबर है, उसके बाद आपका नाम शो होगा। यहाँ पे पेनल्टी है वो फिलहाल कुछ नहीं है लिखा हुआ है, जितना अमाउंट आपके RD में है वो सारा अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए और टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। आई जस्ट उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। OTP को एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, और इसका जो भी फंड है यानी कि 2000 रुपीज़ है वो मेरे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर भी शो कर रहे हैं। तो जितना भी फंड आपका होगा वो सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो गाइस, अगर आपको RD अकाउंट क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डाउन में कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो गाइस, यहाँ पे जो भी माई डिपॉजिट में फंड था, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट क्लोज हो चुकी है और यहाँ से अकाउंट भी हट चुका है। जो भी RD अकाउंट का फंड था वो इंस्टेंट यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है।